गुलाम मुस्तफा बशीर मेरा नाम है और मैं पाकिस्तान को जो है दो ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। रियो ओलंपिक में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम था और मेरे नंबर ऑफ कंपटीशन भी इंटरनेशनल कम थे, जिसकी वजह से मैं 18 प्लेस हासिल कर सका। और अब गुज़श्ता 4 साल में मैंने मेहनत भी ज़्यादा की, मैंने कॉन्टिनेंटल कोटा विन किया और मैंने इस दफ़ा 9 प्लेस हासिल किया है। और मैं भरपूर मेहनत की है, कोचिज ने मेरे साथ मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ अपनी ट्रेनिंग से कि इतने कंट्री में मैंने जाके कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा बशीर, बहुत आपको एक तो मुबारक हो, लेकिन बाज़ोकात होता है यहाँ पर जितनी आपको मैक्सिमम सहूलतें मिल सकती कर लेते हैं, बाज़ोकात थोड़े से एक एंगल का फर्क होता है, वहाँ जाके आपने जब दूसरे लोगों को मॉनिटर किया, उनके साथ आपने देखा, तो दो तीन मेजर चीजें आपने क्या देखी कि अगर आप उसको यहाँ पर करें तो कारकर्दगी मजीद बेहतर हो सकती है? मतलब आप वहां से क्या इन्फॉर्मेशन लाए कि वो चीजें अगर यहाँ पे इंडक्ट की जाए तो आपकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आ सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं देखा है, वो भी मेरे जैसे शूटर हैं, उनके पास भी कोचिज हैं, हमारे पास भी कोचिज हैं, बस ये है कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ थ्रीड्स कम है, वहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ थ्रीड्स ज़्यादा हैं। जित हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान में इस खेल को ज़्यादा पॉपुलर किया जाएगा, ज़्यादा एथलीट होंगे, तो फिर जो है हमारा जो है वो लेवल भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा बशीर, कोच वहाँ पे हर शूटर्स के साथ कोच थे, आपको अपने कोच की कभी मैसेज हुई गाइड करते, क्योंकि आपका पहला स्टेज था, फिर सेकंड स्टेज था, कोच की बड़ी अहमियत होती है ज़्यादा इस गेम के अंदर, तो आपके कोच तो यहाँ पे आपको कोच की कभी मैसेज हुई? बिल्कुल कोच की कमी महसूस हुई है, लेकिन जो है वो क्योंकि जापान की पॉलिसी थी कि आप जो है वो नंबर ऑफ ऑफिशियल या कोच आपके साथ कम लोगों को लेके आएंगे, उस वजह से बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, उसने एक भी कोटा विन, 15 कोटे थे लेकिन एक भी मेडल विन नहीं कर पाया, तो उस वजह से जो है वो जापान की पॉलिसी थी कि आप जो है वो इससे ज़्यादा प्लेयर नहीं आएंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोच ने मुझे यहाँ बहुत अच्छा ट्रेन किया, हमारा कैंप भी लगाया, लेकिन ये तो गेम है, जैसे मैं पहले दिन 5वें भी था तो दूसरे दिन में मैं भी आ सकता था, लेकिन ये है कि मैं मोबाइल पे मेरा रब्ता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मुझे कोच की जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो सकता है, लेकिन यह है कि वो जापान की पॉलिसी है ड्यू टू कोविड-19, तो उसकी वजह से जो है ना वो कुछ कर नहीं सकते नहीं, वहाँ पे आप जब पॉलिसी वो आ रही तो उस वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, खासतौर पर नेवी तो आपको कर रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे खिलाड़ी को हौसला अफजाई करें, जैसे तालिब था वो 5वें पे आया, फिर आपका जो अर्शद नदीम था वो 5वें नंबर, आप 9-10 नंबर पर आए, तो क्या आप समझते हैं हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए? सवाई क्रिकेट के एक ही गेम पर फोकस होता है उनका, तो क्या अगर इन चीज़ों पर तवज्जो दे तो आपके नतज मुख्तलिफ हो सकते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमने जैसे मैंने कोटा विन किया 2019 में, तो हमारा फुल प्लान था, मैं एक दफ़ा जर्मनी में ट्रेनिंग हासिल करके आया हूँ, उसके बाद भी जाना था, लेकिन कोविड की वजह से सारा शेड्यूल जो है वो डिफरेंट हुआ हुआ था, और कोई ऐसा कोच है वो जो है हमने काफ़ी सारा रब्ता था लेकिन वो आने को तैयार नहीं है, और कोविड की वजह से बहुत सारे जो है ना वो कंट्रीज जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हैं इस वजह से। बिल्कुल बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल लेवल में जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल वो जो है वो कंपलसरी है, वहाँ पे जो है ना आपने वो इवेंट सीखना ही सीखना है, तो अगर स्कूल लेवल में ये 10 मीटर के इवेंट्स होंगे तो जब आप वो सीखेंगे तो उसके लिए ये इवेंट सीखना मुश्किल नहीं है, तो ये जो है ज़रूरी है शूटिंग में। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा मेरा क्या ट्रेनिंग है, क्योंकि ये तो हो गया चलें ठीक है, आपकी आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, मेडल नहीं आया, लेकिन आगे किस आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए ताकि मेडल से आप बहुत ज़्यादा दूर ना हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आया हूँ कोई से डिस्कस किया है,
तो अब हमने प्लान करेंगे और ज़्यादा मेहनत करूँगा, जो खामियाँ मुझ में रह गई हैं मैं इंशाल्लाह उसको दूर करूँगा, ताकि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके दोबारा कोटा विन करके आगे पाकिस्तान की जो है वो ओलंपिक में नुमाइंदगी करूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हमने देखा कि माशाल्लाह बहुत आपके पास फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, काफ़ी हद तक इंटरनेशनल लेवल की आप कह सकते हैं, ट्रेनिंग भी आप कर रहे थे, क्या गलती की, क्या ऐसी चीज़ रह गई जो हम देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स, देख अगर हम बात करते हैं अर्शद नदीम वगैरह की, वो उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, आपके पास माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो टॉप 10 तक पहुँचे, क्या वजह है कि हम और ऊपर क्यों नहीं आ सके, क्या गलती की, क्या गलतियाँ हुई? अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने बड़ी अच्छी भरपूर ट्रेनिंग की है, मैं मुतमिन भी था कि मैं जो है वो क्वालिफाई करके इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल विन करके लेके आऊँगा, लेकिन मैंने अगर 10 पे आया हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे शूटर भी थे कि जो पहले दिन आ गए थे लेकिन दूसरे दिन जो है वो अच्छा नहीं कर पाए, तो अब जो खामियाँ मुझ में रह गई इंशाल्लाह मैं उसको दूर करूँगा।